टेक्निकल प्रोत को कर दे सब्सक्राइब और साथ में दबा दे इस बेल को और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल प्रोत चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने इंस्टाग्राम पर सॉन्ग के साथ वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है नरेश लव पुरोहित और आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रोत चैनल। तो चलिए दोस्तों, एक छोटे से इंट्रो के साथ करते हैं हम अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम पर सॉन्ग के साथ वीडियो आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा जो इंस्टाग्राम है उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम दो जगह से हम वीडियो शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नीचे की साइड आप देख सकते हो हमें एक रील का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से भी हम वीडियो बना सकते हैं। और अगर दोस्तों हम अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की साइड हमें एक प्लस का आइकॉन मिल जाता है। तो दोस्तों, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें रील पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं रील पर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर रील पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमें फ्लैश का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ऊपर की साइड आप देख सकते हो हमें एक म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप कोई भी म्यूजिक लगा सकते हो। और ऊपर आप देख सकते हो हमें सर्च म्यूजिक का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप कोई भी म्यूजिक सर्च करके भी यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं म्यूजिक लगा लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप म्यूजिक को आगे पीछे यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको डन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमें 15 सेकंड का ये वीडियो शूट होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को 30 सेकंड का शूट करना चाहते हो तो दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, आपका जो वीडियो है वो अब 30 सेकंड का बनेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे की साइड आप देख सकते हो यहाँ से हम अपने वीडियो को स्लो मोशन और फास्ट यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें अलग अलग फिल्टर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप कोई भी फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे की साइड आप देख सकते हो हमें वीडियो लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप वीडियो लेआउट लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर रील वाले ऑप्शन पर आपको इस बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर शूट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो शूट होने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमें एक तीर का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों, इस तीर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आप अपने वीडियो को अपने गैलरी में भी सेव कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ से आप ऊपर की साइड देख सकते हो, यहाँ से आप अपने वीडियो को गैलरी में भी यहाँ से सेव कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तीर पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से आप अपने वीडियो को डायरेक्ट अपनी गैलरी में भी यहाँ पर सेव कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप अपना म्यूज़िक ऐड कर सकते हो और आपका जो वॉइस है वो यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप अपने वीडियो पर अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमें एक ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट लगा सकते हो अपने वीडियो पे। तो दोस्तों, यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर पेंसिल का आइकॉन है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो आप अपने हाथ से कुछ भी यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमें टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो अपने वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी आपको लिख लेना। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से अलग अलग आपको फॉन्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको तीर का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रोसेसिंग होने के बाद दोस्तों, इस कवर पर आप कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी गैलरी से भी यहाँ पर कवर फ़ोटो लगा सकते हो अपने वीडियो के ऊपर।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टोरी का ऑप्शन मिल जाता है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने स्टोरी पर भी डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की साइड आप देख सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने किसी भी फ्रेंड को टैग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो दोस्तों इस शेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, तो दोस्तों आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम पर सॉन्ग के साथ वीडियो बना सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।